अस्सलाम वालेकुम अली सतपारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपने जो आपका एक्सपीडिशन नांगा पर्वत फॉर फर्स्ट विंटर समिट, जो अभी तक प्रोग्रेस आपकी हुई है और जो जो एक्सीडेंट्स हुए हैं और जो नेक्स्ट प्लान है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात सिकरदू के नवाही गाँव सतपारा से है। तो पिछले साल भी विंटर एक्सपीडिशन में मैं यहाँ मौजूद था इसी एक्सपीडिशन में। इस साल भी इंशाल्लाह 2016 हम यहाँ पर हैं। तो हमारा जो मूवमेंट है, अभी तक हम लोगों ने कैंप 3 तकरीबन 100 मीटर हमारा रहता है कैंप 3 का हमने क्लियर किया है। तो पिछले साल की निस्बत इस साल मुझे पहाड़ जो है कुछ आसान नज़र आ रहा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस इस माउंटेन के ऊपर है। क्योंकि पिछले विंटर में हम थोड़े लेट भी आए थे इधर, तकरीबन 24-25 जनवरी को हम यहाँ पहुँचे थे। तो जब माउंटेन के ऊपर मैंने देखा तो फुल आइस वो हुई हुई थी, एक तो सख्त हार्ड आइस थी। इस साल मैंने जितने भी क्लाइंबर्स जैसे आदम उलिस्की है, दानियाल हैं, इन सब को बताया था कि माउंटेन इतना हार्ड नहीं है। तो वो ऐसे कि हमने आखिर में ये दो एक्सपीडिशन हमारे इधर थे इसी रूट पे, किंग शाफर रूट पे। तो हमने मीटिंग किया कि इसमें हम दो ग्रुप्स बनाए, दानियाल और आदम उलिस्की का हमने ग्रुप बनाया, मैं और एलेक्स चिकोन जो स्पेन के हैं उसने ग्रुप बना के जो है हमने क्लाइंबिंग जब स्टार्ट की। तो क्या कह सकते हैं, वहाँ से आदम उलिस्की का एक्सीडेंट हो गया। हम कैमोन में पहुँचे थे तो वहाँ से एक्सीडेंट होकर आए, तो बाहर के वो इस मसले से चले गए और हम लोगों ने अल्लाह के फजल करम से कैंप 2 लगाया दूसरे दिन। किंशा फरवाल ये वो सब कुछ हम लोगों ने क्लियर करके 2 रातें हम लोगों ने कैंप 2 में की हैं। और कैंप 3 तक हमने रोप फिक्स करके तकरीबन 100 मीटर कैंप 3 का रहता है, बाकी क्लियर हमारा है। अली भाई, आपकी तरह की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, हमारे हीरोज़ ऐसे हैं जिन्होंने 8000 मीटर सर किए, बल्कि जितने 5-8000 मीटर समिट्स हैं पाकिस्तान में उन्होंने 5 की 5 समिट की, लेकिन उनको बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई जानता नहीं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान की बात यह है कि हम क्या कह सकते हैं कि अब माउंटेनियरिंग, अब मैं आप लोगों को यहाँ देख के आपकी टीम को इस नंगा पर्वत विंटर में दिल की गहराइयों से मैं आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। क्योंकि ऐसे एरियाज में 2012 में जियो न्यूज़ का एक एंकर मैंने बल्तरो में ट्रैक करते हुए देखा था, जबकि उसने फिर भी उसने हमारे साथ कोई इंटरव्यूज या मतलब कुछ वो नहीं किया, उसका अपने मतलब नॉर्मल से हालात इन द वे। दूसरी दफ़ा मैं आपको एक विंटर में यहाँ देख रहा हूँ इन नंगा पर्वत बेस कैंप में, बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो मैं आपके सवाल का जवाब मैं किस तरह दे दूँ कि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग के हवाले से, मैंने जब यहाँ रेस्क्यू किया 2006 में वेनेजुएला का एक क्लाइंट जो है वो कैंप 4 में, उसका तकरीबन 14-15 दिन उसका कॉन्टेक्ट रहा जबकि हम लोग उधर G2 में थे। तो वहाँ से रेस्क्यू करके हम वहाँ गए। अच्छा, रेस्क्यू का निज़ाम अब मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ है ही नहीं है यहाँ हमारे वहाँ जो है, जैसे कि नेपाल में रेस्क्यू सिस्टम है, पाकिस्तान में बिल्कुल न होने के बराबर हैं। जैसे कि इतने अच्छे पीक से इतने फार्नर आते हैं, वो हमसे शिकायत करते हैं, आप इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, आपके यहाँ रेस्क्यू की कोई टीम नहीं, हमें सबसे ज़्यादा जो है सेफ़ लाइफ चाहिए। अगर हमें कोई मसला हो कैंप 4 में, कैंप 2 में, कैंप 3 में, यार पाकिस्तान में एक ऐसी रेस्क्यू टीम हो कि वो फटाफट आके वो कर सके। जबकि यहाँ पे 16 दिन के बाद हम पहुँचे थे 2006 में उस बंदे के पास, तो वो मरा हुआ था। तो वापस हम इन दवे बहरहाल इस्लामाबाद पहुँच गए। उस वक्त की मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म निलुफर बख्तियार थी, वहाँ एक हमारे साहब बैठे हुए थे, अच्छे ऑफिसर थे। वो मुझसे पूछता है, यार अली, ये नंगा पर्वत क्या चीज़ होती है? अब मैं आपको पाकिस्तान के उसके लेवल से और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, पूछता है कि ये नंगा पर्वत क्या चीज़ है। मैंने कहा, सर जी, पाकिस्तान में
8000 के 5 पीक्स हैं, किलर माउंटेन है, हिडन पीक है, किंग ऑफ माउंटेन है। तो मैं आपको किस तरह इसकी तफसील जो है इस छोटे से लम्हे में आपको बयान कर दूँ। तो बात यह है कि पहाड़ों के बारे में फर्स्ट टाइम हम आप लोगों को देख रहे हैं ऐसे एरियाज़ में। तो शिमाली इलाके के लोगों के अलावा और पाकिस्तान के अंदर मतलब कोई पहचान नहीं सकता कि माउंटेनर क्या है, माउंटेन क्या है, 8000 क्या है, हाई अल्टीट्यूड क्या है। ये आपके ख्याल में अल्पाइन क्लब वो पाकिस्तान बेहतरी आनी चाहिए, उसको दोबारा इस्टेब्लिश किया जाए, उसको उसमें कुछ मतलब के उसकी कोऑर्डिनेशन में, उसके प्लानिंग में, उसके एक्सपीडिशंस में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बेहतरी आनी चाहिए। पिछले साल भी यहाँ से इंटरव्यू उन्होंने मेरा किया था अल्पाइन क्लब पाकिस्तान के बारे में। तो विंटर में मैं समझता हूँ, ये खुदा खुद बेहतर जानता है, ये कोई फख्र की बात नहीं है, 5 विंटर मैंने किए पाकिस्तान में। पहला बंदा हूँ जिसने 5 विंटर एक्सपीडिशन किया, माशाल्लाह। तो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान से मैं क्या कहूँ, उसको अली सतपारे के बारे में उसको कुछ इल्म ही नहीं है। मेन मकसद मैंने पिछले साल के इंटरव्यू में भी मैंने इसी तरह कहा था कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की सुस्ती की वजह से जो अब ये जो जॉब्स है हमारा माउंटेनियरिंग का, वो मैं कहता हूँ तकरीबन 99% वो जो है नेपालियों के हाथ में गया। क्यों? जब ये ट्रेनिंग देते हैं आपको, अब आपको इंटरव्यू जहाँ आके आपको पता चला कि अली सतपारा कौन है, अच्छा किचन नहीं, नहीं हमें पहले से पता था अली भाई, मिसाल की बात करता हूँ। अल्पाइन क्लब आप पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि 8000 जैसे कि 5 किए हुए हमारे लड़के हैं, हमने जाके, मैं सही मतलब बताता हूँ कि मैंने सीखा है माउंटेनियरिंग माउंटेन में, ना कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने कुछ मुझे ट्रेनिंग दी है। ऐसे सख्त जो है मेरे ज़िंदगी के मराहिल, मैं क्या आपको बताऊं कि मैं कैसे बचा, किस तरह बचा। मैं अभी मेरी समझ में, जब मैं माउंटेन में एज ए टेक्निकल क्लाइमर क्लाइंबिंग करता हूं, अभी अल्लाह के फजल करम से सीखा है, इन्हीं अंग्रेज़ों से मैंने सीखा है, इन्होंने कहा कि ये पिटन इस तरह लगाया जाता है, आई स्क्रू इस तरह लगाया जाता है, जब मैंने सीखा है तो मैं अब कहता हूँ यार परवरदिगार अल्लाह आप, मैं किस तरह बचा, K2 के M2 की चुमनी में मैं गिरा, किस तरह मैं बचा, क्यों गिरा, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उससे पहले मेरे पास कोई ट्रेनिंग, वो किसका है? अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अब शिमाली इलाकाजात में 8000 के मतलब 5 किए वो लड़के हैं, विंटर में हम चढ़ते हैं, समर में, अब उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो सही ट्रेनिंग हमें नहीं कराया, जो वहाँ से मिसाल स्पॉन्सर होता है इधर, उनको चाहिए कि असली जो है चीज़ के ऊपर फोकस करें। 8000 के ऊपर वो जो है वो ट्रेनिंग को इस्लामाबाद बुलाएं या नंगा पर्वत बेस कैंप में बुलाएं, हमारे सारे बहुत सारी पहाड़ियां हैं वहां पे ले जाके ट्रेन कराएं, ना कि अब यहां 2006 में एक कुक आया था हमारे साथ, अब किंग शफल वाल है उसके सामने। तो इस तरह की बातें हैं कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि 8000 के जो क्लाइंबर हैं, 8000 हैं, उनको मद्देनज़र रख के उसको ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि ये जॉब हमारे हाथ से मज़ीद निकल, जो न्यू जनरेशन है उसको अच्छे से, जैसे कि आपसे मेरे से मशवरा लिया जाए, मुझसे सीनियर लड़के हैं उनसे मशवरा लिया जाए, भाई किसको ट्रेन कराएं, भाई हम उस लेवल के लोगों को देखते हैं, ये बंदे जो है इनको हम ट्रेनिंग दे देंगे, ना कि जो है वो अपनी मर्ज़ी से इस्लामाबाद में 5-10 लड़कों को जमा करे और उनको ट्रेनिंग दे दे, और जो जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो उनको सारी सबमिट की हैं या कितनी की हैं और कितनी दफ़ा की हैं? मैंने सबमिट G2 मैंने किया है, G1 किया है, अच्छा ब्रॉड पिक किया है, ये नंगा पर्वत मैंने 2 दफ़ा किया है समर में। तो क्लाइंबिंग के हवाले से मेरे दूसरे जो साथी हैं और मेरा जो रवैया है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्निकल क्लाइंबिंग करूँ, रोप फिक्स करूँ और आगे जाके अच्छे से अच्छा मतलब काम करके, मतलब इस माउंटेन को मैं अपनी मदद आप इसको सर करूँ।
ना कि मिसाल के तौर पर अभी शरपा जो है वो रस्सी लगाते हैं, वो करते हैं। मैंने 2014 में भी अपने लकड़कों से, जैसे मादी है, इन सब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं दूसरे रूट पे था, तो मैंने वहाँ से रोप फिक्स करते हुए कैम्फोर में बेचा। मैंने अपने लड़कों से रिक्वेस्ट की थी कि ये काम जब हम निकले हैं इसके ऊपर, तो आपने इसी के ऊपर महारत हासिल करनी है, आपने रस्सी इसी के ऊपर रस्सी आपने डालना है। जो कुछ रिस्क है इसमें, 99% इसमें रिस्क है, तो आप या आपको इस काम को छोड़ना चाहिए। अगर आप काम करते हैं तो फ्यूचर को ज़रा देख के हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो हमारे जो दूसरे साथी हैं और मैं हूँ, मेरा थोड़ा वो है कि मैं अपनी मदद आप जो है वो क्लाइम करूँ माउंटेन को, ना कि आप जाके रस्सी फिक्स करें, वो करें, पीछे से मैं जाके टॉप करूँ। मेरा ये ज़मीन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक लफ्ज़ में नंगा पर्वत को आप कैसे बयान करें? नंगा पर्वत को एक लफ्ज़ में, किलर माउंटेन। किलर माउंटेन बहुत मुश्किल है? मुश्किल तो सारे पहाड़ हैं, मगर इसका जो टेक्निकल जो वो हैं, खुसूसन विंटर में, समर में, बहरहाल मैंने 2-3 दफ़ा इसको समर में क्लाइम किया है, इतना हार्ड नहीं है। जैसे कि विंटर में अभी KM1 से जो KM2 है इसका, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है इसका, इसमें रॉक फिक्सिंग करना। अच्छा, किंग शाफर वाल आपका फिर मिलता है, रॉक क्लाइंबिंग मिलती है, आइस क्लाइंबिंग मिलती है, तो KM1 से KM2 जो है बहुत हार्ड है, मिक्स क्लाइंबिंग है, सॉरी, बहुत हार्ड। तो आप प्योर अल्पाइन स्टाइल में तो नहीं कर रहे? नहीं, अल्पाइन स्टाइल हमारा नहीं, विंटर में अल्पाइन स्टाइल में नहीं किया। समर में इस साल K2 में हम लोग अल्पाइन स्टाइल से क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो विंटर में मैं अब आदम विलेज की इधर आए थे, उसने कहा कि मैं अल्पाइन स्टाइल्स करूँगा, तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चढ़े हो जीवन, विंटर में हम साथ थे आदम, ये नामुमकिन है। तो उसने आखिर में जाकर मेरी बात मान ली, अलीगढ़ से, तो इसमें अल्पाइन स्टाइल जो है किंग शफरवाल से दूसरे, जैसे समन मोरू वगैरह दूसरे से जो रूट से क्लाइम कर उसमें मुमकिन है, मगर किंग शफरवाल से नामुमकिन है। नामुमकिन जी। अली भाई, हमारी जो नई नस्ल, नौजवान नस्ल है जो ये शौक़ रखती है माउंटेन क्लाइंबिंग का, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है, या इतना टाइम नहीं है, या इतनी डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं है कि वो ये काम करें, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें मेन मकसद जो है, अभी मेरे भी मसाइल हैं वो हैं, मतलब मेन जो मकसद है इसमें दिलचस्पी आपकी। अगर आप चाहें, मुझे नौकरियां मिली पुलिस के इधर उधर, मेरे वालिद साहब, मेरे घर वाले अभी भी कहते हैं कि, क्योंकि मेरे सारे जो अच्छे अच्छे साथी थे, 7-8 जो है मेरे अपने जो 7 क्लाइम, 1-1, 2-2 साल मैंने क्लाइम किया साथ में, उनको मैं खो चुका हूँ, वो अभी मेरे उसमें मौजूद नहीं है। तो मेरे घर वाले, माँ बाप, वो कहते हैं कि ये अच्छा काम नहीं है। तो मैं जितना, मतलब मुझे जिस किस्म की भी नौकरी मिले मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसी के ऊपर चढ़ना मुझे पसंद है। तो मेन मकसद ये है कि अगर आप खुश हों, आप किसी भी चीज़, आप किसी अंडर, जैसे कि मैं इधर पैसे के लिए काम करूं, अंडर प्रेशर, यार मुझे पैसा चाहिए, बच्चों को पालना है, वो वाली बात नहीं है, मुझे ये पैसा दे दे, कुछ ज़्यादा दे दे, ना दे दे, मुझे पैसे से कुछ गरज नहीं है, मुझे क्लाइंबिंग चाहिए। और मैं अल्लाह के फजल करम से इसी को मैं शौक़ रखता था, तो इसी के ऊपर में। आपको लगता है कि एक रूहानी ताल्लुक होता है आपका माउंटेन के साथ? बेशक रूहानी ताल्लुक होता है। इसमें जो है, जो क्राइम पेशा अफराद हैं, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम्स होते हैं, वो यहाँ कामयाब नहीं होते। जैसे कि शहरों में मिसाल ये शराब मराब, ये इस तरह की चरस मरस की जो लोग होते हैं, जराइम पेशा अफराद जो है, वो इस माउंटेन के ऊपर कामयाब नहीं। तो इसका बेसिक जो वो है कि ये जो है पहाड़ जो है वो रूहानी उससे ताल्लुक़ रखता है। जी जी, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने हमें टाइम दिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपको अपने दरमियान पा के, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर समिट अटेम्प्ट। थैंक यू। बैठे अली भाई, बैठे, कहाँ जा रहे? बस सीन ऑफ हो गया ना।